हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक दिन में नहीं आई तो देखो क्या हो गया भैया। आरसीबी वर्सेस आरआर में कौन जीता? ओहो हो, वही। और जो मैंने कहा था, हम लोगों ने दोनों ने वही कहा था कि आरआर, और मुझे पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ आरआर जीता होगा, देखते हैं। आरआर ही जीतता मेरे ख्याल से, मेरे को तो ये लग रहा भैया, मुझे तो यही सुनने में आया। आरसीबी का अनफॉर्चुनेट ट्रैक रिकॉर्ड है हारने का, तो यही होता है। और विराट कोहली सेल्फिश सेंचुरी है, जोस बटलर 100। चलिए देखते हैं, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये बात समझ नहीं आ रही, अगर विराट कोहली की सेंचुरी बनी है तो फिर तो आरसीबी को जीतना चाहिए था। ऐसा क्या गड़बड़ हुआ कि जिसकी वजह से, यहाँ क्या विराट कोहली ने धीरे धीरे लगे रह के टुक 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 करके अपनी सेंचुरी बनाई थी, ऐसा कुछ है क्या? चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कभी तो जीत कर आया करो, नारियल फोड़ने का मौका मिले, हारते ही रहते हारते ही रहते। अभी थोड़े दिन पहले रियान पराग ने एक ट्वीट किया था, ऑल आई नीड राइट नाउ इज अ विराट कोहली 100। इनको क्या ही पता होगा कि इन्हीं की टीम के अगेंस्ट ये सेंचुरी आने वाली है। यूजी भैया, भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा, मुझे क्या पता था, मैं नोरा फतेही मांग लेता लगे हाथों। इस आईपीएल अभी तक हमको एक भी सेंचुरी देखने को नहीं मिली थी, और जैसे ही मिली तो दो साथ में मिल गई। और बटलर भाई ने तो दिन भी एकदम चुन के डिसाइड किया, 100 आईपीएल मैच में 100, वो भी छक्का मार के। आवेश भाई को पता थोड़ी था कि विराट भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, ही सीरियस, पहली से लेके आखिरी बॉल तक चौके मारे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, ये बंदा ऊपर ऊपर से सबको माफ कर देता है, अंदर से इसके पास एक डायरी पड़ी हुई है जिसमें कब किससे बदला लेना है सब लिखा हुआ है। किसी दिन तुमको नवीन उलक पंखे से उल्टा लटका हुआ दिखे ना, तो समझ लेना ये काम किस इंसान का। विराट भाई ने भी वैसे फाइनली ये सेंचुरी करने के बाद अपने बैटिंग कोच के बारे में ओपनली बताई दिया सबको। कभी कोच के बारे में इतना बोलते नहीं ओपनली, बट इस बार कोच खुद ग्राउंड में आए हुए थे। व्हाट ए स्पेशल मोमेंट फॉर विराट कोहली। बैट का ग्रिप थोड़ा नीचे रखा कर, बाकी सब बढ़िया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ भाई, दोनों की सेंचुरी का क्रेडिट यूजी भाई को जाता है, क्योंकि बटलर को भी होली वाले दिन भांग पिला दी इन्होंने, उसका असर आज जाके हुआ था। यूजी भाई ने एक बॉल डाली जो कि थोड़ी ऑफ साइड में थी और उसको वाइड नहीं दी एम्पायर ने। चीकू भैया ने हमारे एम्पायर को ऐसा लुक दिया, वो एम्पायर ही को डाउट करने लगा अपनी 2 सेकंड के लिए। क्या बात कर रहे बाबा। मैक्सवेल भाई, एक टांग पर अफगानिस्तान को नचाने वाले मेरे मैक्सवेल भाई, इतनी मेहनत मजदूरी करते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, आरसीबी से कब खेलोगे, कब बनेंगे? हर बार यही बोलते। मैं मेहनती नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने एक भ्रम फैला रखा कि मेहनत करता हूँ मैं। तो फिर क्या बकचोद हो, एकदम काम ही नहीं करता। बिल्कुल कम सॉलिड बकचोद हूं मैं। ठीक है, मजदूरी पूरी जिंदगी थोड़ी करूंगा। मैंने ना इसका एक डीप एनालिसिस किया है कि मैक्सवेल और ग्रीन रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। होता कुछ यूं है कि जब नेट प्रैक्टिस करते हैं तब आरसीबी के बॉलर्स खेलने मिलते हैं उन्हें, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे हैं, और फिर जब मेन मैच होता है तो अच्छे बॉलर्स आ जाते हैं, तो ये जो आ जाता है ना बीच में, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। फाफ डुप्लेसिस ने थोड़े बहुत रन बना दिए, वरना कोहली भाई को भी पता है कि जितना मैंने बना दिया वही टारगेट हो जाएगा। ओपनिंग भी मुझे ही करनी है, फिनिश भी मुझे ही करना है, ये लोग तो हॉलीडे मनाने आते हैं। 180 रन बना दो या 200 बना दो, बॉलर्स पिटा ही देंगे। और बचे हुए 16 ओवर्स में तू कीपिंग कर लेना यार चीकू। आरसीबी की टीम में इस आदमी को शेयर्स दो भाई, फीस देने से कुछ नहीं। आरसीबी को लोग इतना सपोर्ट भी इन्हीं के कारण कर रहे हैं, बचा रखी है बच्ची कुछ।
एंड यू नो भाई सबसे सैड पार्ट क्या था, कल के मैच के बाद सबसे ज्यादा गालियां भी लोग विराट कोहली को। क्यों भाई? हैशटैग चोकली, हैशटैग सेल्फिश, हैशटैग। क्यों भाई? तुम सोच सकते हो बंदे ने 113 रन मारे, 12 चौके, 4 छक्के, 157 स्ट्राइक रेट, और उसी को गालियां पड़ रही है कि तुम्हारी इनिंग स्लो थी इसलिए तुम्हारे कारण मैच हार गया, जिसका बैटिंग एवरेज आईपीएल 2024 में 100 टच कर चुका है। उसको बोल रहे हैं भाई तुम्हारे कारण मैच हार गए, लास्ट मैच में तो जल्दी आउट हो गए थे ना, तब तो हालत देख ही ली होगी। लॉन्ग ओवर के 33 रन इन 12 बॉल्स हटा दो तो 120 रन जैसे तैसे बने थे। कुछ लोगों की आदत ही हो गई है भाई, फॉरेन प्लेयर कोई 100 मार दे ना तो ओहो भाई क्या कूल यार 100 मार दी, और हमारा प्लेयर अगर 100 मार दे तो मजा नहीं आया, 100 तो लग गई पर उतना मजा नहीं आया भाई। पहली चीज जो बटलर का एग्जांपल दे रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में जैसा बटलर ने के साथ वैसा खेलना चाहिए था तो भाई केवल 9 बॉल्स का डिफरेंस था। दूसरी चीज बटलर के साथ संजू सैमसन थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जो कि खुद भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। नीचे इनफॉर्म पराग, हेटमायर, जुरेल सब लोग थे तो बटलर को टेंशन नहीं था। भाई पर फॉरेन प्लेयर ने 100 मार दी, मैं जा रहा हूँ ट्विटर पर जॉस द बॉस टाइप करने, पर कोहली के लिए हैशटैग सेल्फिश डाल के आता हूँ, फूल लगूंगा यार। भाई मैं ऐसे वन साइडेड किसी भी प्लेयर के लिए बोलता नहीं हूँ और ना ही एक कोई ब्लाइंड फॉलोवर हूँ विराट भाई का, पर इस बार भाई हद ही होगी। लास्ट टाइम अगर तुम बोलते ना विराट भाई स्लो खेले ये वो तो मैं शायद से ऐसा कन्विंस भी हो जाता कि हाँ यार स्लो तो खेले, पर भाई इस बार जब पता है उनको कि पीछे कोई प्लेयर ही नहीं खेलता है तो फिनिश भी मुझे ही करना है तो कैसे खेलेगा इंसान। नो डाउट बटलर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी इनिंग्स खेली है आरआर के लिए और मेरा वन ऑफ द फेवरेट ओपनर भी है, एंड यार उसका स्टाइल ही वही है खेलने का, मारो कूटो। और पर जो बंदा 157 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और जिसको पता है मैक्सवेल, ग्रीन, रजत पाटीदार सब दो दो बॉलों के मेहमान है, वो और कैसे बैटिंग करेगा? जिसको पता है कि भाई दो बॉलों में खेले जाना है वरना इतनी इज्जत भी नहीं बचेगी इस पूरी टीम की। और अगर इतना वैसे बटलर चली रहा है तो बटलर भाई ने 4 मैच में रन कितने बनाए? 185। ओ विराट भाई के 316 हो गए, तो बाकी बैट्समैन 200 टच नहीं कर पा रहे, इनके 316। तो भाई ये भी थोड़ा मैटर करता है कि केवल स्ट्राइक रेट नहीं, मतलब कंसिस्टेंटली भी परफॉर्म करना होता है विद अ गुड स्ट्राइक रेट। जहां विराट भाई ने 316 रन बना दिए हैं 105 के एवरेज से, आरसीबी के बाकी बैट्समैन के क्या हाल है? 496 रन केवल सब ने मिला के। तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि बंदा फ्रीली कैसे खेल सकता है? एक गलती से विकेट चले गया तो भाई 150 रन ना बनने पूरी टीम से। मैं तो कहता हूँ चीकू भैया बड़ी सिंपल सी चीज है, तो कहते हो आरसीबी छोड़ के दिल्ली में आ जाओ और मुझे एक चीज और लगती है भाइयों कि आजकल ना ये बहुत चल गया कि अरे यार मैं रोहित भाई का फैन हूँ तो कोहली को गाली बक देता हूँ, कोहली का फैन हूँ ऐसे थोड़ा होता है, धोनी का फैन हूँ तो रोहित को गाली बक देता हूँ, रोनाल्डो मेसी वालों धोनी अच्छा खेलो उसके साथ, सबने जिंदगी में कुछ बहुत उखाड़ा है इसलिए फैंस भी बने, लोग इतनी इज्जत भी करते हैं, तो जरूरी नहीं है भाई तुमको किसी एक को पकड़ के बाकी उसके पीछे लगे रहना, तीनों भी तुम्हारे फेवरेट हो सकते हैं मेरी तरह। हार्दिक भाई देख रहे हो ना प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं तुम भी गालियां ही पड़ रही है। वैसे भाई चलते हैं यार अब थोड़ा सा माहौल ठंडा करते हैं, मीम्स पे में मामा रिव्यू की तरफ चलते हैं। उससे पहले तुमने स्टेक पर रजिस्टर नहीं किया हो तो कर लेना, मैंने लिंक पिन कमेंट में दिया है। कल भी हमारा प्रेडिक्शन सही था जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था कि आरआर विन करेगा, आई नो भाई आरसीबी के बॉलर्स को अच्छे से आज दो मैंने भी प्रेडिक्ट किया था, हम दोनों ने किया था, एक टेलीग्राम ज्वाइन कर आप लोगों में से कहीं ने किया था, रजिस्टर करके डिपॉजिट करके रख लेना, लिंक पिन कमेंट में है, वॉच कर देंगे। प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियो, देखो इसमें क्या बन रही है उस वाले, विजिटर मस्ट बी 18 प्लस ऑफ एज टू प्रोसीड। विराट पे बने ज्यादा कि हारने पे बने? लो विराट भाई अनुष्का भाभी से वीडियो कॉल कर लो, ये आज का सबसे तगड़ा मीम है भाई, मतलब हर बार विराट भाई कॉल करते ही है, इस बार संजू बाबा ने बोला कि ये 2 पॉइंट्स हमें दे दो, आप जरा भाभी से बात कर लो, पहले रन भी बनाओ फिर इनके हिस्से की गालियां भी खाओ। भाई सच में मेरे को तो यकीन नहीं हुआ जब 100 के ऊपर जाने के बाद भी लोग गालियां दे रहे थे, मतलब क्या होते जा रहा है। ये बोल रहा है पेरी को मेंस टीम में भी खिलवा दो, जैसा भाई देखो कुछ व्यवस्था हो सकती है तो मतलब चाह तो हम भी रहे, क्या मतलब नेक्स्ट मैच से बॉलिंग भी मुझे डालनी पड़ेगी विराट भाई विराट के ऊपर बनने में ज्यादा समय नहीं है। यूसी चहल, इंट्रोड्यूसिंग आरसीबी बॉलर्स, आजा तुझे संडास दिखाता हूँ। एक अच्छा बॉलर था आरसीबी के पास यूसी भाई, उनको दे दिया और बाकी सारा कचरा अपनी टीम में रख लेगा। एम आई इन आरसीबी एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल दिस ईयर, पहले मैं नीचे फिर तू नीचे, डीसी नहीं है समझ में आती है, अच्छा नहीं है तो उनसे भी और नीचे होगा ना। हकीकत दिख रही है विराट भाई के रन्स और बाकी प्लेयर्स के रन्स कितने हैं, कितने स्ट्राइक रेट से बनाए उन्होंने, तो जबकि इतने सारे प्लेयर मिलके बना रहे हैं तो कम रिस्क में बना रहे होंगे ना, वो तो नॉट आउट गया बंदा, फिर भी क्यों हगी आरसीबी की टीम, फिर भी गाली कोहली भैया क्यों खा रहे हैं? विश्वास कर भाई यूएसए में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी ही चल रही है भाई, ये जो पाकिस्तान की डेली वीडियो वायरल हो रहे हैं ना प्रैक्टिस करते हुए, ये कुछ और ही प्रैक्टिस कर रहे, क्रिकेट से भरोसा उठ गया इनका, इनका लोड़ा ओपनिंग भी मैं करूँ फिनिश भी मैं करूँ, तुम किस बात के पैसे ले रहे हो विराट भाई, अभी तो बॉलिंग आना बची है। व्हाट अ पिक्चर, 3 रन मशीन इन अ सिंगल फ्रेम,
संगकारा, कोहली एंड द लॉर्ड आवेश खान। समझे अगर भाई इंडिया में ससुराल है और ससुराल में दामाद कोई काम नहीं करता, भाई हिल तो लो थोड़ा बहुत मैक्सी। भाई भाई हिल भी नीरा बंदा यार, 0-0, 1-1 रन, 2-2 रन, 10 रन से ऊपर ना बना पा रहे। मम्मी जो प्लेयर पूरे IPL में चलना नहीं वो हमारी टीम के सामने चल जाता है, बॉलिंग इतनी माशाल्लाह। उधर केदार भाई और विजय शंकर भाई वेट कर रहे कि कब हमारा RCB से मैच हो जाता, हमारा भी करियर बन जाता। तुम टीम में अच्छी बॉलिंग कोई करता है क्या बहन? विराट भाई लास्ट ऑप्शन लेफ्ट, लॉन्ग लोअर, आई एम इन गुड फॉर्म, इट्स माय होम ग्राउंड, ओके सिट ऑन बेंच नाउ। भाई मतलब ये क्यों कर रहे हैं, जो भी अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसको बिठा देते हैं। लॉन्ग लोअर भाई स्ट्राइक रेट से भी अच्छा खेल रहा है, रन भी मार रहा है, उसको बिठा के रखा हुआ है। RCB बॉलर्स विद 10 रन पर ओवर, वाशिक विजय कुमार 6 रन पर। भाई ये देख लो एक और एग्जाम्पल, पता नहीं क्या कर रही है भाई, जो अच्छा खेलता उसको बोलते हैं तू बैठ भाई हम लोग आते हैं, तब तक थोड़ा मैं हरा हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, खाने के लिए खड़ा हूँ। क्रिस ग्रीन, म्यूजी भाई मेरे को भी बैटिंग करना आता है लेकिन दिखा रहा नहीं, मत दिखाना, ये लोग डर जाएंगे। क्लासिन का जो आपने सिखा रखा ना, क्लासिन को बैटिंग ये लोग को मत बता देना, घबरा जाते हैं लोग आपसे। हाँ BKL, जो मेरी टीम ने मेरे साथ खेलते हुए 200 के स्ट्राइक रेट से रन पहले हैं, उनका स्कोर कार्ड भेजना, जरा सही बात है, भेजो आप भेजो। ये साला मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टांग पर 200 रन मार रहा था और RCB के लिए पैसे लेकर हॉलीडे मना रहा है। ऑलवेज एंड्स अप ऑन द रॉन्ग साइड, भाई कैसे गाली दे रहे हो तुम उस बंदे की हालत देखो भाई, मतलब पूरा जोर लगा दिया, 100% दे दिया, उसके बाद भी टीम की हालत वही की। और एक नहीं भाई 16 साल होने आ गए, 16 साल समझ रहे हो किसको कहते, आधी जिंदगी निकल गई। ये अरे भाई अश्विन अन्ना ने किया था पाकिस्तान के टाइम पे, वाइड हो गई थी, इस बार अश्विन अन्ना ने बॉल डाली, विराट भाई ने बोला मैं उस दिन देख लिया था तेरा, सीख लिया था। सब्जेक्ट ने RCB की बॉलिंग से एक्सपेक्टेशन रख ली था, नहीं रखने का भाई, नहीं रखने का। कल मैंने स्टेक पर प्रेडिक्शन भी यही दिया था कि भाई RCB नहीं जीत पाएगा। बुरा लगता है। जुनैद खान, कांग्रेचुलेशन विराट कोहली ऑन द स्लोएस्ट 100 इन द IPL हिस्ट्री। जुनैद खान थोड़ी मार मांग रहे हैं, इन्हें थोड़ा मार के देना। जुनैद भाई आपको वर्ल्ड कप तो खिला नहीं रहोगे, खिलाते तो बताते कि कैसे पड़ती 100, कहां पड़ती 100। आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। कभी तुम कोहली फैन हो या ना हो, जो भी हो भाई, एक बार अपने को उस पोजीशन पर रख के देखना कि तुम 16 साल से टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हो और फिर भी गालियां तुम ही खा रहे हो, मतलब सोचना एक बार सोचना, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताना कि सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। यार ये तो बड़ा शॉकिंग है कि बंदा जो है विराट कोहली, उसने इज्जत बचा ली अपनी टीम की इतने रन लेके, नहीं तो कोई रन बनने ही नहीं थे, उसके बाद भी उसको गालियां पड़ रही है अपना, मैं तो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो देख रहे हैं कि जॉश बटलर का स्ट्राइक रेट ज्यादा था यहाँ पर, वो कह रहे हैं वो बेसिकली वाइड या उसकी वजह से हुआ है थोड़ा सा बेटर, पर आप अपनी दूसरी टीम को उसको उनको भी तो देखो ना, RCB में कोई बंदे है ही नहीं जो कर सके, इसलिए विराट कोहली को धीरे भी खेलना पड़ रहा होगा, ध्यान से भी खेलना पड़ रहा होगा। ये जो बाहर के आए हैं फॉरेन प्लेयर्स, उनसे पूछो ना, करोड़ों लेके बैठ गए हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ताकत कर रहे, उनको यह है कि हमें कहीं चोट ना लग जाए क्योंकि हमने तो वर्ल्ड कप में जाना है, अगली बार ही नहीं लेना चाहिए इन लोगों को, कोई लेगा नहीं इनको, अगर लिया तो सबसे बड़ी गलती होगी, कोई लेगा नहीं, बोलेगा यूज नहीं लेंगे, मुझे पता है ये फिर भी इनको लेंगे बड़े इतना पैसा देके। एक होना चाहिए कि भैया जो परफॉर्म नहीं कर रहा उनको हमने नेक्स्ट टाइम नहीं लेना, ताकि पता चले कि भैया अब अगली बार हमारी कमाई नहीं होगी अगर हम करेंगे। जो IPL में परफॉर्म नहीं कर रहा उसको मत लीजिए, वी डोंट केयर कि तुमने अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या परफॉर्म किया है, कैसे है? तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म कर रहे हो उससे देख के IPL में नहीं लेना चाहिए, उन्होंने IPL में कैसा परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से IPL में लेंगे। अब यही होना चाहिए, बिल्कुल इन लोगों को बोलो कि IPL की परफॉर्मेंस के हिसाब से अब अपनी टीमों में लोगों को ले, खासकर ये बाहर के जो है ये ऑस्ट्रेलिया वाले, इनको तो खास कर ध्यान से इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर फिर इनको घुसाएं, हमारा पैसा खा रहे और यहाँ पे मेहनत भी कोई नहीं कर रहे, मतलब पब्लिक को मजा भी नहीं आ रहा है इस गेम, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको पैसे का, डोंट केयर, उन्होंने कहा हमें पैसा तो मिल गया, उनको दिख रहा है कि पैसा तो अब हमें मिल गया, अब हम खेले ना खेले कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम अपने जब हम वही ना जब हम ऑस्ट्रेलिया करें की टीम में होंगे तब पूरी मेहनत करेंगे। वो कहते ना एक टांग टूटी हुई थी तो एक टांग से भी उसने इतना अच्छा खेला था और अब देखो। पर विराट का मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो, क्यों इस वजह से हुआ, इस लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं उसके बेचारे के, जबकि वो एक इकलौता प्लेयर है पूरी टीम में जो कुछ कर रहा है। पर देखते हैं आज क्या हुआ, हमारा दिल्ली का क्या, वो कह रहे या ये कौन सी मुंबई इंडियंस और RCB सबसे नीचे है, तो भैया दिल्ली का आ गई क्या, उससे भी नीचे क्यों, उससे ऊपर, मुझे लग रहा है उससे भी नीचे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।